दोस्तों पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कॉडी रोड और ब्रॉक लेसनर का फेस टू फेस सामना देखने को मिला था, लेकिन उससे पहले जब कॉडी रोड बैक स्टेज से आ रहे थे तभी अचानक से ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिए। यहां तक कि उन्होंने एक स्टील के भारी भरकम ड्रम की मदद से कॉडी रोड के बाएं हाथ को इंजर्ड कर दिए और द अमेरिकन नाइटमेयर वहीं पर दर्द के मारे तड़पने लगा। ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड को वहीं पर छोड़ के रिंग की तरफ चल दिए, जहां पर ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड को ओपन चैलेंज कर दिए। इसके बाद कॉडी रोड उसी हालत में ब्रॉक लेसनर के पास आ गए और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो ब्रॉक लेसनर से लड़ना चाहा, जो कि ये कॉडी की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद कॉडी रोड अपने हाथ में बंधे बैंडेज को भी वहीं पर खोल दिए और इसी का फायदा उठाते हुए ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से कॉडी रोड पर हमला कर दिए। उसके इंजर्ड बाएं हाथ को कमूना लॉक में फंसा कर उसे मरोड़ दिए और ब्रॉक लेसनर हंसते हुए वहां से चले गए।